जामिया मिल्लिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आज दुनिया को अपनी फख्र की दास्तान सुना रही हैं। दोनों यूनिवर्सिटियां अब मुल्क की टॉप 10 यूनिवर्सिटियों में शामिल हैं। इन यूनिवर्सिटी ने मुल्क की आज़ादी में भी अहम किरदार अदा किया है। आदाब, मैं हूँ आपके साथ आमना फारूक और आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। NAA की जानिब से A++ याफ्ता मरकजी यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया के लिए ये अम्र बाई से इफ्तिखार है। वजारत तालीम की आज जारी करदा नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में यूनिवर्सिटी जुमरे में इसने एक मरतबा फिर से तीसरा मकाम हासिल किया है। ये तीसरी मरतबा है जब यूनिवर्सिटी ने NIRF रैंकिंग में लगातार तीसरी मरतबा मुल्क की 3 सरकर्दा यूनिवर्सिटी में अपनी जगह बनाई। नसीम हैदर रजिस्ट्रार जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने वजारत तालीम हुकूमत हिंद की जानिब से मुनक्कदा एक पुरवकार तकरीब में यूनिवर्सिटी की तरफ से ये एजाज़ हासिल किया। प्रोफेसर मोहम्मद शकील वाइस चांसलर जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने इस हुसूल याबी पर इजहार मुसर्रत करते हुए कहा कि NIRF रैंकिंग में लगातार तीसरे साल तीसरी पोजीशन बरकरार रखने पर हमें इंतहाई मुसर्रत हो रही है। इसका सेहरा यूनिवर्सिटी के असातिज़ा की सख्त जद्दोजहद और हमारे तलबा के नज़्म व ज़ब्त को जाता है। हमारा गैर तदरीसी अमला जिसने यूनिवर्सिटी के मायार को बरकरार रखने में सख्त जांफशानी के साथ काम किया है वो भी तारीफ के काबिल है। हमारी कोशिश थी कि हम इस मकाम को बरकरार रखें। आला मकाम हासिल करना आसान नहीं होता है, ताहम इसे बरकरार रखना मुश्किल। यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और मुहक्किकीन ने मायारी तहकीक के अंजामदही के साथ इस कामयाबी के हुसूल में काफ़ी अहम किरदार अदा किया है। मैं उन तमाम लोगों को दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। काबिले ज़िक्र है कि यूनिवर्सिटी 2016 में 13वें मकाम पर थी और 2022 में तीसरे मकाम पर पहुँची थी और गुज़िश्ता 2 साल से इसने अपनी ये पोजीशन बरकरार रखी है। तो वहीं दूसरी जानिब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने वजारत तालीम हुकूमत हिंद की तरफ से जारी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग में इस साल बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 8वीं रैंकिंग हासिल की है। 2023 में AMU ने नवी रैंक हासिल की थी। AMU वाइस चांसलर प्रोफेसर नईमा खातून ने हुकूमत हिंद की सबसे बावकार रैंकिंग सर्वे में यूनिवर्सिटी की बेहतर दर्जाबंदी पर मुसर्रत और शादमानी का इजहार किया है। उन्होंने इस हुसूलियाबी पर यूनिवर्सिटी के असातिज़ा, मौजूदा साबिक तलबा और अमले के अराकीन को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी बरादरी के सभी हलकों के अथक कोशिशों और मेहनत का समरा है जिसने यूनिवर्सिटी को मुल्क की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में एक आला मकाम हासिल करने में मदद की। प्रोफेसर नईमा ने असातिज़ा, मुहक्किकीन और तुलबा पर जोर दिया कि वह आने वाले बरसों में यूनिवर्सिटी को NIRF की दर्जाबंदी में बुलंद मकाम पर ले जाने के लिए मज़ीद मेहनत करें। यूनिवर्सिटी रैंकिंग कमेटी के चेयरमैन प्रोफेसर M. सालिम बेग ने कहा कि AMU ने इस साल सख्त मुकाबले के बावजूद बेहतर नतायज हासिल किए हैं। 2024 की रैंकिंग में हिस्सा लेने वाले इदारों की मजमूई तादाद बढ़कर 10,845 हो गई है, जो 2023 में 8,686 थी।